Prime Minister Narendra Modi visited the Ram Temple for the first time since its inauguration back on the 22nd of January. It offered prayers to Ram Lalla before commencing a vibrant roadshow in Ayodhya in Uttar Pradesh amid a busy campaigning schedule. Prime Minister Modi's arrival was eagerly awaited, with Ayodhya adorned to welcome him. Donned in a golden kurta, white pants and a golden jacket, the Prime Minister paid respects to Lord Ram Lalla with a prostrate bow. After this, he held a 2-kilometer long roadshow starting from Sugriva Fort and concluding at the Lata Chowk. This drew a crowd, about 1 lakh plus crowd, which was eager to catch a glimpse of the Prime Minister, marking a significant event in the city's political landscape. To give us further details on this is my colleague Ravi Kumar. Ravi, what was the atmosphere like on the ground in Ayodhya yesterday? It was electrifying. Several of our colleagues had gone there. देखिए, अनुक सुबह चुनाव चल रहा है और दो दो चरणों की जो वोटिंग है वो भी हो चुकी है, तो मैं ऐसे में अब दूसरे चरण की तरफ अभी चुनाव है वो जा रहा है। और हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लिए जहां लगातार भाजपा दावे कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही काफी अहम दौरा माना जा रहा है। और इस दौरे के दौरान रोड शो किया गया प्रधानमंत्री की तरफ, इसके अलावा राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए हैं। और जाहिर तौर पर क्योंकि तीसरा हैट्रिक लगाने की कोशिश तो एनडीए की जो सहयोगी दलों के साथ है, और बिल्कुल ही काफी बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का। और बिल्कुल इसको लेकर जहां पूरी तैयारियां की गई थी, वहीं बीजेपी सभी दलों में बेहद उत्साह है इसको लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वैसे भी अहम माने जाते हैं, और किस तरीके से अब ये दो फेज का वोटिंग भी हो चुका है, तीसरे फेज की तरफ अभी चुनाव है वो जा रहा है, तो निश्चित तौर पर काफी अहम दौरा है। और इस दौरे के दौरान जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, और बिल्कुल जिस तरीके से पूरी जो कैबिनेट है और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल विजयश्री की तरफ जाएं, और इसी मकसद के साथ में ये काफी अहम दौरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो अयोध्या का दौरा रहा है। और इस दौरान जहाँ रोड शो किया गया, वहीं रामलला के दर्शन भी किया गया, और इसके जरिए ही आशीर्वाद भी लिया गया है कि जो बीजेपी सभी दलों के साथ मिशन 80 को पूरा करने का दावा कर रही है वो पूरा किया जा सके। जी indeed, and this is not all that had taken place in Ayodhya yesterday during Prime Minister Modi's Ayodhya roadshow. In fact, prior to it, a former litigant in the land dispute case, Iqbal Ansari, in fact expressed support, stating that as Prime Minister Modi and Chief Minister Yogi lead the roadshow, we are here to shower flowers. Ayodhya, of course, stands united, dreaming of Prime Minister Modi's third term as Prime Minister. He had, of course, held up right there. You can see on your screen those visuals of him holding a poster written Modi Ka Parivar. And this, of course, according to Iqbal Ansari, states that it symbolizes his endorsement of Prime Minister Modi, considering everyone in the country as a part of his parivar. And he stated that he's just reciprocating that very feeling. And this, of course, is symbolizing unity in Ayodhya. Of course, it's a very significant moment in the city, showcasing a communal harmony. Let's, in fact, first listen into what he had said yesterday. ये माननीय प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री योगी जी है, जो आज जो है ये अयोध्या में उनका रोड शो है कि आज अयोध्या में खुशी की लहर है, हम भी फूल वर्षा करने के लिए जो है यहाँ मौजूद हैं। भाई खुशी तो बहुत है, पूरे अयोध्या के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, और अयोध्या में जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग जो है ख्वाब देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अयोध्या आवें। और ये मन तो हम बहुत दिन से बनाए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है, हम लोग सभी एक साथ हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। पूरे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में हैं इस वक्त, जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अयोध्या का एक सौभाग्य है कि आज तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या रोड शो में शामिल हैं। All right, there, of course, you've heard what he had to say. My colleague Ravi is still with us on the broadcast. Ravi, take our viewers through this latest statement. Ravi, can you hear me? Take our viewers through. Yeah, go ahead. Go ahead.
रवि, कैन यू हियर मी? जी जी. या, व्हाट एग्जैक्टली डिड इकबाल अंसारी से यस्टरडे? Let's once again listen into his statement. मुख्यमंत्री योगी जी है जो आज जो है ये अयोध्या में उनका रोड शो है कि आज अयोध्या में खुशी की लहर है, हम भी फूल वर्षा करने के लिए जो है यहाँ मौजूद हैं. भाई खुशी तो बहुत है, पूरे अयोध्या के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और अयोध्या में जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग जो है ख्वाब देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अयोध्या आवे. और ये मन तो हम बहुत दिन से बनाए हुए हैं क्योंकि अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है, हम लोग सभी एक साथ हैं. यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है. पूरे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में हैं इस वक्त जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं. अयोध्या का एक सौभाग्य है कि आज तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या रोड शो में शामिल हैं. Yeah, right there, we've heard what Iqbal Ansari has to say. Ravi, take our viewers through what happened on the ground yesterday and what he had to say. निश्चित तौर पर 10 साल का कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के लिए काम करते हुए और निश्चित तौर पर जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के लिए पूर्व पक्षकार है इकबाल अंसारी है. उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उन्होंने कहा 10 साल का ये कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और वो चाहते हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने. तो जाहिर तौर पर ये संदेश देता है कि किस तरीके से जो छवि है वो बदली है और जाहिर तौर पर चाहे अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय की बात करें तो जिस तरीके से एक बड़ा बयान इकबाल अंसारी की तरफ से जरूर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना बताता है किस तरीके से उन्होंने बेहतर काम किया है और जिसी की नजीर है वो पेश हुई है. और निश्चित तौर पर अयोध्या का एक काफी अच्छे से जो मामला था वो रुका हुआ था, जिस तरीके से भव्य रूप से अब उसका निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से भव्य रूप से साफ सुथरा हुई है श्री राम लला की, तो जाहिर तौर पर कि कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मैसेज जरूर रहा है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रविवार को अयोध्या दौरे पर और पहुंचे थे, रोड शो किया है, उसके पहले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी है उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान सामने आया है वो बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर छवि है वो निखर के सामने आई है और 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो काफी बेहतर रहा है साफ तौर पर इकबाल अंसारी की तरफ से कहा गया. और ये भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास जिताने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे और इसी का नतीजा है जिस तरीके के बयान है वो सामने आ रहे हैं. All right, stay on with us as we shift our focus to further news and updates. Now, Prime Minister Narendra Modi, a two-time Member of Parliament from Varanasi, is set to file his nomination from the Lok Sabha constituency on May 14th, as announced by the BJP's city president, Vidya Sagar Rai. Now, prior to this, on May 13th, Prime Minister Modi will lead a roadshow in Varanasi with the route already finalized. His primary opponents in the constituency include Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Rai and BSP candidate Athar Jamal Lari. Varanasi will go to polls on the penultimate phase on June 1st. This is, of course, the final round of the Lok Sabha elections where the electorate will be casting its mandate. The election process, remember viewers, commenced with the first phase on April 19th, followed by the second phase on April 26th, and the third is tomorrow. Results, meanwhile, are slated to be announced on the 4th of June. Prime Minister Modi's decision to contest from Varanasi again, of course, underscores the constituency's significance in his political career and the BJP's strategy for securing a strong mandate in the ongoing general elections. My colleague Ravi Kumar still with us on the broadcast. Ravi, over to you. A big roadshow is going to be held on the 13th of May in Varanasi. The Prime Minister just held a mega roadshow yesterday in Ayodhya and he's also going to file his nomination on the 14th. आप हमारे दर्शकों को क्या डिटेल्स दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहा है अयोध्या का और बेहद ही अहम दौरा रहा है. इस दौरे के दौरान जहां दूसरे चरण का जो मतदान होना है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अयोध्या पहुंचे थे और इस साल जनवरी में जिस तरीके से भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजन किए, उसके बाद आशीर्वाद भी लिया और जाहिर तौर पर एक बार फिर से बीजेपी है वो एनडीए है या फिर सभी लोग साथ से जहाँ 400 पार का नारा दे रही वही जिस तरीके से अयोध्या क्योंकि अयोध्या काफी अहम रहा है पूरा अगर हम बात करें तो कई दशकों तक इस अयोध्या को लेकर चर्चा है जिस तरीके से साल 2024
ऐसा साल रहा है जिसमें जनवरी महीने में राम मंदिर की राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, और बिल्कुल जाहिर है कि एक राम भक्तों का जो लंबा इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ, और उसके बाद मंदिर क्या कह सकते हैं कि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा उसके बाद से पहला दौरा है, और बिल्कुल निश्चित तौर पर कि भगवान श्री राम लला का जो आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और बिल्कुल है जिस तरीके से काफी अहम दौरा रहा, इस दौरे के दौरान जहाँ रोड शो हुआ है और रोड शो के दौरान जहाँ भारी संख्या में जो लोगों की मौजूदगी रही, और इस दौरान जहाँ भारी संख्या में जो तमाम सारे जो वो बड़े चेहरे थे वो भी इस दौरान जरूर नजर आए, और बिल्कुल ही एक श्री राम लला के जो आशीर्वाद लेने के लिए ही वो पहुंचे थे राम मंदिर, और बिल्कुल ही और जिस तरीके जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिला है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बयान है वो भी सामने आने लगे हैं, और बिल्कुल ये बयान बताते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो कितना कह सकते हैं कि लोगों के जहन में बसा हुआ है, और बिल्कुल ही जिस तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी दौरा होता है होता है, और निश्चित तौर पर क्योंकि अब ये 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये दौरा है तो बिल्कुल ही काफी अहम दौरा है, और इस दौरे को लेकर चर्चा है वो हो रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.